नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और वक्त है मोदी फैक्टर का। मगर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले जानिए। जन विश्वास पर निकले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। सरकार छोड़ने के बाद पहले इंटरव्यू में तेजस्वी ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 17 महीने में अपना एजेंडा लागू किया। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में ही जेडीयू समाप्त हो जाएगी। बिहार में असली लड़ाई बीजेपी और आरजेडी में है। बीजेपी पर अटैक करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वो पहले वॉशिंग मशीन पार्टी थी, लेकिन अब डस्टबिन पार्टी हो गई है। देखिए तेजस्वी यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तेजस्वी यादव जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं और उन्होंने आज पहली 3 सभाओं में ये कहा कि जनता से कहा कि आप इंश्योरेंस हैं हमारा और आप इंश्योरेंस दीजिए, यानी अगले 5 साल का मौका। और मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए तेजस्वी हैं उसी रथ में जिस रथ से वो सवार होकर निकले हैं जनता के बीच। तेजस्वी, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको यहाँ जो लोगों से मिला जनता से, पहले मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत कम समय में ये यात्रा जो है तय किया गया और एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि मैट्रिक का परीक्षा भी चल रहा है, लोग जो है उनके घर में बाल बच्चे जो हैं पढ़े जाते हैं, वो सुबह से ये यात्रा थी। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना एक चीज़ दिखाता है कि लोगों को विश्वास है, और जो विश्वास जताया है उस और जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया है तो लोगों को अच्छा लगा है। और जो फिलहाल के जो राजनीतिक घटनाएं जो हुई हैं बिहार में, मतलब एक ही चीज़ कई बार रिपीट कर दी गई है, तो लोग इस चीज़ से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट मिले, कि कोई किसी को अगर मैंडेट मिला है तो वो 5 साल सरकार चलाए और जिसको मैंडेट दिया है उसके साथ जो है सरकार चलाए। लेकिन फिलहाल के दिनों में आप देखें तो मुख्यमंत्री जी ने 9 बार शपथ लिया और ये तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक साल एक टर्म में 3 बार शपथ ले लिया हूँ। और उसमें ताजुब लगता है कि भाई 3 स्पीकर आ गए हैं, 3 स्पीकर भी 3 बार उन्होंने शपथ लिया, 5 उप मुख्यमंत्री भी उनके भाजपा के हो गए, हमको मिला ले तो 6 हो जाएंगे। तो ऐसा कभी किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा भी होगा। जिसमें मैं लगातार आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ जब से गठबंधन अलग नीतीश जी हुए हैं इंडिया गठबंधन से, आप नाराज़ हैं, आपके चेहरे पे नाराज़गी दिखती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं है नीतीश जी को लेकर के, आप उस तरीके का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ही माइल्ड होकर के नीतीश जी पर हमला करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? एक मोह कहा जाए इसको? नहीं, मोह नहीं, एक रिस्पेक्ट है। एक बुजुर्ग है, अभिभावक है, उनके नेतृत्व में 2 बार हमने ओथ लिया है तो जाहिर सी बात है काम किया है, तो उनको बोल करके कोई फायदा तो है नहीं। असली लड़ाई बिहार में तो 2 ही खेमा है, एक बीजेपी है, एक आरजेडी है, जो असली 2 ताकतें हैं अगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए, बाकी सबका कोई मतलब उस हिसाब का है नहीं बिहार में। तो असली लड़ाई हम भाजपा से लड़ते हैं और भाजपा हमसे लड़ती है। और नीतीश जी की जहाँ तक बात है, ठीक है, अब तो कितना दिन ऐसा चलता रहेगा, अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। और हमने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है और 2024 में आप देखिएगा ये पार्टी जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब अचानक से उन्होंने गठबंधन से अलग होने का फैसला किया तेजस्वी नीतीश जी ने, चूंकि ये घटनाक्रम बिल्कुल तेजी से बदला और चूंकि मैं आपसे पहली बार बातचीत कर रही हूँ उसके बाद, क्या तेजस्वी यादव को इस बात का बुरा लगा कि जब सब कुछ ठीक था अचानक वो बदल जाते? आप हर उस मीटिंग में उनके साथ थे इंडिया गठबंधन की, चाहे वो दिल्ली में हुई हो, पटना में हुई हो या बाकी जगहों पर हुई हो, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया मैं चूंकि पहली बार ले रही हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, दुख इस बात का नहीं है कि क्या हुआ। मैंडेट जो था 2020 में हमें 114 सीटें मिली थी और 122 पे मेजॉरिटी चाहिए। हालांकि हमारा मानना है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, हमारे वोटों की चोरी हुई थी, ठीक वैसे ही चोरी हुई थी जैसे कि चंडीगढ़ में चोरी हुई बैलेट पेपर, कुछ 12 वोट से हारे, कुछ 50 वोट से हारे, ऐसे 10 से 12 वोट, फिर भी हमारा जो मैंडेट था
आफ्टर ऑल व्हाटएवर वी एक्सेप्टेड विपक्ष में बैठने का, फिर भी अगर हम 17 महीने सरकार में आ गए और हमने अपने एजेंडे का काम अगर लागू कर दिया तो आई एम मोर हैप्पी कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो कम से कम 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। और वही मुख्यमंत्री जी 20 में तो आप उस समय थी, सारा कवरेज वगैरह करती थी, तो उस समय मुख्यमंत्री कहते थे कि कहाँ से लाएगा नौकरी, कहाँ से पैसा लाएगा, यह असंभव है, नहीं हो सकता। भाजपा के लोग भी पहले बोलते थे, लेकिन निर्मला जी आती हैं, अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती हैं, उसमें वो 19 लाख कहती हैं, हालांकि सरकारी नौकरी के बारे में नहीं कहती, रोज़गार कैसे वो करेंगी सृजन इसके बारे में वो कहती हैं। तो हमने तो जो 17 महीने रहा है उसका काम किया है, लेकिन ये तो कोई माही कोई बहुत ही महारथी वाला काम तो नीतीश जी ने किया नहीं कि भाई आप जो है कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं। अगर आपको आना है तो पूरी बहुमत लेकर आओ, अपने आप से रहो, आपको उससे शिकायत है आपको इससे शिकायत है, लेकिन इस बार तो कोई रीज़न ही नहीं था, मतलब कोई एक ठोस रीज़न तो होना चाहिए कि आप भाई आए क्यों गए क्यों। आप यहाँ आए क्योंकि आपके पास रीज़न था, आपने जिस हिसाब से लोटस ऑपरेशन चल रहा था तो इनका कहना था कि हमारे पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और एक देश के विपक्ष को गोलबंद करके हमको इनको रोकना है, तो आपके पास एक एजेंडा था और हम नहीं चाहते थे, लेकिन सब लोगों का दबाव था, सारे देश भर के विपक्षी बड़े नेता जितने थे कि भाई जो चल रहा है इससे एक अच्छा माहौल जो है वो बनेगा, तो हमने फिर एक्सेप्ट किया इनको। और लेकिन एक शर्त ज़रूर थी नौकरी वाली, उन्होंने कहा ठीक है हम लोग करेंगे। आप आज जिन सभाओं में गए सब जगह आपने कहा जिस आरजेडी को माई पार्टी कही जाती है वो आरजेडी बाप की पार्टी है, जिसमें आप पिछड़ों का जिक्र करते हैं, बहुजन का जिक्र करते हैं, महिलाओं का जिक्र करते हैं और पुअर गरीबों का जिक्र करते हैं। सवाल ये है कि MY समीकरण को RJD के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है और लालू प्रसाद जी के बयान से भी कहा जाए कि MY, तो क्या MY समीकरण से RJD पीछा छुड़ाना चाहती है या कोई और कारण है? RJD ने कभी नहीं कहा कि ये MY की पार्टी है, हालांकि विरोधियों का था कि राष्ट्रीय जनता दल को सीमित कर दिया जाए मुसलमान और यादव में। तो मेरा ये कहना है कि माई के साथ साथ हम लोग बाप की भी पार्टी है, बी से बहुजन, ए से आपका हो गया आगरा, दूसरा ए से हो गया आधी आबादी जो महिलाओं की है, और पी से पुअर यानी BAAP, ये बाप। तो अगर ये माई और बाप मिला लें तो A to Z हो जाता है, कोई बसता नहीं है। तो हम तो शुरू से ही A to Z की राजनीति करते रहे। आप स्टेयरिंग सीट पर थे जब राहुल गांधी यहाँ आए थे, सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में क्या तेजस्वी स्टेयरिंग सीट पर ही रहेंगे? नहीं, हम लोग देखिए जनता के बीच रहेंगे, स्टेयरिंग सीट पे जाहिर सी बात है बिहार में एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधे पे है, तो उसको बखूबी हम निभाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग इंडिया अलायंस में हैं, जो निर्णय अलायंस का होगा उस हिसाब से जो दायित्व मिलेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इंडिया अलायंस के कई साथी चले गए, ममता बनर्जी चली गई, खुद नीतीश जी अलग हो लिए, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस थोड़ी और सीरियस होती तो ये बेहतर रिजल्ट हो सकता था लोकसभा? देखिए, दो बार से सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनी, लेकिन हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया, तो जब बड़ी पार्टी होकर के इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो और लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस हिसाब से सही आइडियोलॉजी के लिए अगर आप लड़ रहे हैं, सही मायने में अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र और संविधान पे खतरा है तो ये बहुत ही छोटी चीजें हैं सैक्रिफाइस करने को। सब क्यों साथी छोड़ कर जा रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप ही हिस्सा हैं? देखिए, सबके अपने अपने रीजंस हैं, नीतीश जी का रीजन तो मोदी जी भी नहीं बता सकते और ना ही मोदी जी के गारंटी वाले गारंटी ले सकते हैं कि फिर से वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, लेकिन बाकी ममता जी का तो वो कहती है कि वो आपकी बात हुई ममता जी से? फिर ममता जी से बात हुई थी, बात होती रहती है, लेकिन उनका कहना है कि वी आर इनफ इन बंगाल, बट अच्छा होता कि सब साथ
रहते हैं और लड़ते हैं। बेहतर रिजल्ट होता आपको? अब बेहतर रिजल्ट होता, अब साथ हम लोग आए हैं बैठे हैं, तो साथ रहना चाहिए। जो मेरा व्यक्तिगत मेरी जो राय है मैं वो दे सकता हूँ। और जो पार्टियां आप तो देख ही रहे, कई एनसीपी पार्टियों को जो तोड़ा जा रहा है, और अब बीजेपी हैज बिकम अ डस्टबिन पार्टी। पहले वॉशिंग मशीन थी, अब डस्टबिन आ गई। जितने कूड़ा हर पार्टी में है वो बीजेपी में चले जा रहे हैं। लालू जी के बेटा है, ईडीसीबीआई से डरते हैं क्या? नहीं, क्यों, किस बात का डर है? हम पवित्र हैं। सांच को आँच किस बात की, तो डर किस बात का? वो जांच करते रहे, जांच करते रहे। अभी तो सुनने में आया कि ये लोग जांच करेंगे मेरे विभागों का, तो बहुत खुशी होगी कि जांच इतने अच्छे से करें, कुछ सीखने को मिलेगा उनको, सीखने को मिलेगा कि रोजगार कैसे दिया जाता है। कॉल वॉल तो फोन में तो नहीं सर्विलांस पे रखा? अरे वो तो रहता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो है। नीतीश जी को फाइनल गुड बाय कहा है, या आगे अगर आना चाहेंगे तो आप भी कहेंगे कि राजनीति में द्वार खुला हुआ है? अब कोई देखिए, सच बोले तो नीतीश जी के पास अब कोई विजन नहीं है, और अब उनसे बिहार नहीं चल सकता। क्या पता इसी विधानसभा में वो पलट जाए, आपके साथ आ जाए। ये आप किसी भी जेन्युइनली बिहार की जनता से पूछे कि मुख्यमंत्री के रूप में आप दोबारा नीतीश जी को देखना चाहते हैं, तो सभी लोग कहेंगे नहीं, अब बस बहुत हो गया। तो कोई लोग चाहता नहीं है। अब आधा तो हम तो नीतीश जी जब कुछ पहले नौकरी नहीं दे पा रहे थे, तो 17 महीने में असंभव को हमने संभव किया है। कुछ उस तरह की मदद चाहिए होगी तो जरूर दे सकते हैं। चलते एक आखिरी सवाल है, नंद किशोर यादव का आपने पैर छुआ था विधानसभा में, आप इज्जत देते हैं हालांकि वो विपक्षी पार्टी से, क्या मोदी जी आपके सामने आ जाएंगे तो आपका रिएक्शन इसी तरीके से होगा? एक लालू जी के एक बहुत ही सभ्य शालीन बेटे के तौर पर क्या रिएक्शन होगा? नंद किशोर जी हमारे पिता के समय से ही छात्र राजनीति से ही आंदोलन से लोग जुड़े हुए लोग रहे हैं, हमेशा से हमारा जो है मान सम्मान रहा है। और प्रधानमंत्री जिसे हो या अमित शाह जी हो या भाजपा के कई एक नेता, अटल बिहारी जी हमारी बहनों की शादी में आया करते थे, और जब भी पटना आते थे तो हमेशा, या जब मेरी माता या पिता, जब मेरी माता जब मुख्यमंत्री थी तो गवर्नर भी अगर भेजना होता था तो वो राय लेकर के भेजा करते थे। तो उन सभी महापुरुषों के तो हमने पैर छुए ही हैं, ऐसा नहीं है। पैर छूने से, झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ये तो संस्कार है और अपनी इच्छा है कि आप किसका आशीर्वाद लीजिएगा नहीं लीजिएगा। लेकिन उम्र में बड़े हैं तो जाहिर सी तौर पे आशीर्वाद लेने में किसी को हर्ज होना नहीं चाहिए। तेजस्वी एस्टैब्लिश नेता हो चुके हैं बिहार में, इस तरीके की प्रतिक्रिया मिलती है तो क्या आपका रिएक्शन? नहीं, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो बहुत चीज़ सीखना है, बहुत चीज़ करना है। तो लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक आपको हौसला और बुलंद होता है, मेहनत आप चाहते हैं कि और ज़्यादा करें। बहुत शुक्रिया। के लिए तेजस्वी यादव जन आशीर्वाद यात्रा पर है, और बिल्कुल वही शालीन व्यक्तित्व, और 3 जनसभाएं इन्होंने की है, और कहा है कि ये हमारे नेचर में है कि जो बड़े हैं, जो आदरणीय हैं, उनके पैर छूते हैं। और नीतीश जी पर हालांकि अभी भी हमलावर नहीं है, और इनका कहना है कि जो भी चीज़ें हुई वो बुरा हुआ, लेकिन आगे जनता के बीच रहेंगे। अगले 29 फरवरी तक तेजस्वी यादव जनता के बीच रहेंगे, और लोकसभा चुनाव सिर पर है, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर। उन्होंने एक्सक्लूसिव ABP News से बातचीत की है। अपनी सहयोगी विशाल राय के साथ नीतिश्री, ABP News मोतिहारी।